अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो उसका पीछे क्या रीज़न है, और मैं आपको आपके साथ कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले आपको एक चीज़ चेक करना है, कैंची का एक्सल। मेरे साथ कम से कम नहीं तो 30 से 40 गाड़ियों में ये शिकायत आई है दो मंथ के अंदर। पिछले दो महीनों के अंदर सबसे ज़्यादा जो शिकायत है वो है कैंची का एक्सल टूट जाना, और वही मेरे को लगता है कि इसके अंदर है। इसलिए मैंने अभी खोला नहीं है, सीधे लाइव दिखाऊंगा कि वो प्रॉब्लम कहाँ पर और कैसे है। तो वो एक्सल हमारा इसके अंदर होता है यहाँ पर, तो ये हम स्विंग आर्म कैप बोल सकते हैं, इसको निकालेंगे। और ये देखिए ये एक्सल, इसकी वाशर और एक्सल टूट के अंदर गया। दूसरी साइड से दिखाता हूँ मैं आपको कि वो एक्सल कहाँ गया, और जबकि ओरिजिनल एक्सल डाला है हमने। अभी मैं एक बार एक्सल बाहर निकालता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। सर उधर से एक बार एक्सल उठाइए, निकालिए उस एक्सल को बाहर। अब ये रहा वो एक्सल, इसको जरा नज़दीक से देखेंगे आप तो यहाँ पर ये टूटा हुआ है, और इसका बाकी हिस्सा ये रहा, ठीक है। ये एक्सल यहाँ से टूट गया है, और मात्र दो महीने मतलब कुछ ही दिन हुए थे, ज़्यादा दिन भी नहीं हुए। हाँ, और अभी हमारे पास नया एक्सल है, और एक्सल नया एक्सल भी दिखा देते हैं आपको। और जबकि हम जेन्युइन पार्ट डालते हैं रॉयल एनफील्ड का, और जेन्युइन पार्ट की पहचान क्या होती है, यहाँ पर देखिए एक नंबर है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, पूरा डिटेल आया था या बार कोड है इसमें। और 121 रुपये का एक्सल है, एक्सल कुछ इस तरह है। इसको लगाते हैं फिर देखते हैं वो जो प्ले थी ख़त्म होती है या नहीं। गाइज़ मैंने 7-8 दिन पहले ही इसमें बूस्ट डाले थे, और जिस आप देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा टायर हिल रहा है, तुरंत चलते चलते रोड में चलते ही एकदम ये टूट गया, और मैं गिरते गिरते बचा हूँ इस चक्कर में। आप देख सकते हैं कि यह कंपनी बहुत ही उतने अच्छे तरीके से वो नहीं दे पा रही है, जिस हिसाब से एक हफ्ते में लगाइए आप बूस्ट टूट जा रहे हैं ये, तो उसके आगे आपको सर बताएंगे कि आपको कैसे इसको ठीक करना है और कैसे आपने ध्यान रखना है कि ये ना टूटे। इसके लिए आप और अभी हमारा एक्सल टाइट हो चुका है पूरा, और अब हम देखते हैं जो टायर के अंदर पहले प्ले थी वो प्ले ख़त्म हुई या नहीं। सर एक बार आप टायर को हिलाइए पीछे से, अभी बिल्कुल ख़त्म है, बिल्कुल ख़त्म है ना। तो ये एक एक्सल टूट जा रहा है, ये काफ़ी शिकायत आ रही है जो यूसी इंजन, ये अब क्या कहें इसके बारे में, आप बताइए आपकी क्या राय है। कुछ टाइम के अंदर ही एक्सल टूट जा रहा है, नई गाड़ियों में कैंची के बूस्ट पड़ रहे हैं, मतलब इन चीज़ों के ऊपर फिर वीडियो बनाने का मन भी नहीं करता है यार, इतनी ज़्यादा कमियाँ आती ना। फिर कंपनी हम लेते हैं ताकि या कंपनी है बिल्कुल, और आपका 1.5 लाख रुपए कम से कम तो लगता ही है। तो मैं डायरेक्ट आपसे पूछता हूँ कि आपकी इसके बारे में क्या राय है, कंपनी को अपना मटेरियल में थोड़ा सा सुधार करना चाहिए, थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तो यही था टॉपिक, मेरे को लगा कि यार वीडियो बना के बताना चाहिए, किसी की जान के ऊपर है, और किसी की भी जान की वैल्यू तुम एक 120 रुपये के एक्सेल में कंपेयर नहीं कर सकते। तो क्वालिटी बढ़ाओ, कुछ करो। तो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिए, आपका एक शेयर मेरे को बहुत मोटिवेशनल करता है। जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।